जय हिंद दोस्तों, मैं हूं कपिल यादव, आप देख रहे हैं फोर्स एकेडमी फिजिकल। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साइड में बेल आइकन होती है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज मैं मेडिकल के बारे में बात करूंगा। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर हाथों का टेस्ट कैसे होता है इंडियन आर्मी में। अगर आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं या डिफेंस फोर्सेज में जाना चाहते हैं तो आपका हाथों का मेडिकल टेस्ट होता है तो उसमें क्या देखा जाता है, आज उसी के ऊपर मैं आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ। दोस्तों आपके हाथों के अंदर कैरिंग एंगल देखा जाता है जो कि 15 डिग्री होना चाहिए। आपके दोनों हाथों का करेक्ट जो पोस्चर होता है वो 15 डिग्री माना जाता है। अगर 15 डिग्री तक आपके हाथ है तो ये आपका कैरिंग मतलब कि आप हैंड एल्बो टेस्ट में पास हो पाएंगे। अब अगर आपका एंगल आपको चेक करना है तो वो बता देता हूँ। आप अपने हाथों को घर पे टेस्ट कर सकते हैं। कैसे टेस्ट कर सकते हैं, आपको आईने के सामने ऐसे खड़े रहना है, आईने के सामने ऐसे खड़े रहकर अपने हाथों को ऐसे रखना है और अपना पोस्चर चेक करना है। अब जो हाथ जो जा रहा है यानी कि आपका अपर बॉडी जो है मतलब कि आपका फोर आर्म जो है और अपर आर्म्स जो है इसमें एक एंगल चेक किया जाता है। एंगल कैसे चेक किया जाता है, जैसे कि ये बताता हूँ मैं आपको। यहाँ से स्केल ली जाती है, स्केल को यहाँ से रखा जाता है और वो स्केल यहाँ से अलग बनाती है। मतलब कि आपका जो एंगल टच होता है यहाँ से लेकर अपर आर्म्स और फोर आर्म्स में वो जो डिग्री बनती है यहाँ पर 15 डिग्री का एंगल बनता है। अगर आपका 15 डिग्री का एंगल हाथों के अंदर आता है तो आपका करेक्ट पोस्चर होता है और आप मेडिकल के अंदर फिट हो जाते हैं। एक और चीज बता देता हूँ, दोनों हाथ अगर ऐसे आपके चिपके रहते हैं, स्ट्रेट करने पर ऐसे चिपक जाते हैं तो आपको इसके अंदर मेडिकल में पॉइंट मिल सकता है। यानी कि आपको ऐसे भी करके चेक करना है, अगर आपके यहाँ पर ऐसे गैप नहीं बन रहा है, ये कोनिया आपकी बाहर निकल रही है तो आपको मेडिकल के अंदर पॉइंट मिल सकता है। अब इससे बचने के लिए आपको क्या करना रहेगा, दोस्तों हर चीज का सॉल्यूशन होता है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो इन सभी चीजों से बच जाएंगे। मैं आपको ऐसी डायनेमिक एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे दो से तीन महीने में आप अपने कैरिंग एंगल को सही कर पाएंगे और आप इस पॉइंट से बच पाएंगे ताकि आप इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज शेयर करें इसे ताकि आगे तक ये पहुंच पाए। मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए ताकि मैं इसके बारे में आपको एक्सरसाइज बता पाऊं कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है कैरिंग एंगल सही करने के लिए और आपके हैंड एल्बो में पास होने के लिए आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी रहेगी, वो मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगी। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।